में बेखौफ बदमाशों का आतंक, नकाबपोश बदमाश हथियारों के साथ निजी अस्पताल में घुसे, अस्पताल के कार्मिक पर पिस्टल तान कर रुपए मांगे। आपको बता दें रुपए नहीं देने पर बदमाशों ने मारपीट भी की, तो वहीं अस्पताल में मौजूद लोगों ने बदमाशों को दबोच कर उनकी जमकर धुनाई कर दी। बदमाशों से पिस्टल, चाकू और रुपए समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर दो बदमाश हालांकि मौके से फरार हो गए, लेकिन सूचना पर पहुंची कानोता थाना पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें जामडोली के कंचन अस्पताल में ये देर रात की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें राजधानी जयपुर में हुआ ये मामला, जहां नकाबपोशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। एक अस्पताल में जाकर बंदूक तान कर रुपए मांगे, रुपए नहीं देने पर मारपीट वहां पर हुई, और ऐसे में वहां के जो लोग थे, वहां पर जो मौजूद थे, उन्होंने मिलकर बदमाशों की धुनाई कर दी। आपको बता दें कंचन अस्पताल में देर रात की ये घटना है, और रात का फायदा उठा के हालांकि दो आरोपी वहां से फरार हो गए। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही कानोता पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्थानीय पत्रकार पुरुषोत्तम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या थी पूरी घटना पुरुषोत्तम, और ऐसे में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कितने आरोपी वहां पर पकड़े गए, क्योंकि बताया जा रहा है दो तो फरार हो गए। जी मैं बता दूं आपका, पूरा मामला राजधानी जयपुर के कानोता थाना इलाके के जामडोली का है, जहां पर देर रात्रि में अस्पताल के अंदर चार नकाबपोश हथियारों के साथ सहित बदमाश घुस गए, जिन्होंने अस्पताल का जो कार्मिक था उसके ऊपर पिस्टल तान दिए और पैसों की मांग करने लगे। जब उसने मना किया तो मारपीट करने लगे। जब मारपीट की जब आवाज हुई तो कुछ मरीज के साथ आए परिजन, साथ ही वहां पर मौजूद लोगों ने जब अंदर जाकर देखा तो बदमाश पिस्टल तान करके अस्पताल कर्मचारी के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस पर गुस्से आए वहां पर लोगों ने दो बदमाशों को पकड़कर उनकी जमकर धुनाई कर दी, हालांकि अंधेरा का फायदा उठाकर के दो बदमाश मौके पर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, दो बदमाशों को अपनी हिरासत में ले लिया है। बदमाशों के पास से एक पिस्टल, चाकू, लूटे हुए पैसे बरामद हुए हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की पूछताछ में जुटी हुई है कि ये बदमाश इनके साथ में कौन कौन था, कौन सा गिरोह था और कितने लोग थे। जी बिल्कुल प्रमोद, ऐसे में जिस तरह से पता चल रहा है कि वहां पर मारपीट भी हुई थी, तो क्या लोग भी वहां पर घायल हुए हैं, उससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी। जी मैं बता दूं आपका, जो अस्पताल प्रशासन का जो कार्मिक था उसके हल्के फुल्के चोटें आई है, हालांकि भीड़ ने जो दोनों बदमाश थे उनकी जमकर धुनाई कर दी है। पूरे मामले में देखी जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल प्रमोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए आपको तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, आरोपी यहाँ पर मारपीट करते हुए नजर आए। आपको जिस तरह से बताया कि लोगों ने उनको घेर कर दबोच लिया और उनकी अच्छे से धुनाई कर दी, और ऐसे में जब मौके पर पुलिस पहुंची तो दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों ने मिलकर आरोपी की धुनाई कर दी। यह अस्पताल के बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस अस्पताल में देर रात ये घटना हुई। आपको बता दें नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की इस अस्पताल में। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां पर ये घटना घटी है, देर रात की ये घटना बताई जा रही है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक तान कर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाई।